ये हमने बायोमास स्टोव बनाया है जो जितना बेहतर हो सके उतना और भी बनाएंगे। ये एक सैंपल है, ये घर के लिए है, जो बायोमास पैलेट्स मतलब ये जो पैलेट्स है इससे चलेगा। और ये जो दूसरा है ये कॉमर्शियल बेस के लिए बनाया है हमने, जो लारी वाले को ठेले वाले को मतलब जो कुछ भी है उन लोगों को चलेगा, ये भी पैलेट से ही चलेगा। ये दोनों में इम्प्रूवमेंट और करेंगे अभी अभी, ये दोनों सैंपल के लिए बनाए हैं हमने, और उसका जो प्रैक्टिकल है करना था वो हमने कर लिया है। इसमें यहाँ पे बैटरी है, ये ये फैन पीछे फैन लगा हुआ है, प्राइमरी एयर नीचे से जाता है, सेकेंडरी एयर ऊपर से आता है, यहाँ पे होल है और उसके कारण अच्छे से वो बर्निंग होता है और ब्लू फ्लेम आता है। इसमें हम और एडिशन करके ऐसा करेंगे कि इसमें और फीडिंग कर सके कंटिन्यू, जैसे इसमें बनाया इसमें है। बनाया है। अगर ये चल रहा है और हमको फीडिंग करना है तो मोटर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से हम फीडिंग कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल के लिए, ये रेजिडेंशियल के लिए, इसको और डेवलप करके और इम्प्रूव करके इसको अच्छे से कैसे बना सकते हैं, इस पर टीम काम करेगी। इसमें उत्सव भाई, हमारे मनीष कंसारा जी और इनकी टीम ने काम किया है। सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको और इम्प्रूव करके, क्योंकि हमको लाखों स्टोव लगेंगे और हो सकता है कि लाखों स्टोव हमको कोई ना सप्लाई कर पाए, तो इसलिए हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए और वही तैयारी हम कर रहे हैं। ये पैलेट है 6 mm के, 6 mm मेट में कुछ भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। इसमें दोनों चलेगा। तो ये पैलेट से और इस तरह से पैलेट से ये चलेगा, क्योंकि अभी ऑफिस में यहाँ पे वो सायरन बजेगा इसलिए मैं इसको चला नहीं सकता, बट विल डू दैट ट्रायल और इसके भी वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। तो पूरे MCL परिवार की तरफ से उत्सव भाई और मनीष भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लोग ऐसे ही काम करें और अच्छा मॉडल विकसित करें, डेवलप करें, जो इंडिया के LPG की ज़रूरत को आधे पैसे में कवर करें पैलेट से, देश के करोड़ों अरबों रुपए जो विदेश में जा रहे हैं वो बचाएं, पॉल्यूशन बचाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, ये पैसे हमारे किसान के घर में जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे किसान देगा। सो वेरी गुड, जोरदार चाहिए।